You are watching Manzar Tech. Break the limits with Momin Hashir. हेलो दोस्तों, मैं मोमिन हाशिर और आप देख रहे हैं मंजर टेक। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हाउ टू सेटअप अ गूगल टीवी विद द हेल्प ऑफ ओनली स्कैनिंग अ क्यूआर कोड। सिर्फ एक क्यूआर कोड की स्कैनिंग करके आप किस तरह से गूगल टीवी को सेटअप कर सकते हैं, कैसे आपका वाईफाई और आपका गूगल आईडी ऑटोमेटिकली बहुत ही आसानी के साथ टीवी में साइन इन हो जाता है। तो चलिए करते हैं गूगल टीवी को सेटअप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी याद से क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस साल 2024 का कंप्लीट लाइनअप सोनी टीवी का ब्राविया 2, ब्राविया 3, ब्राविया 7, ब्राविया 9, ब्राविया 8 और सारे होम थिएटर, सारे साउंड बार सिस्टम का 1 by 1 हम प्रोडक्ट रिव्यू करते रहेंगे, अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेटअप। गूगल टीवी को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका रीजन सेलेक्ट करना है, रीजन या फिर कंट्री, फॉर एग्जांपल हियर आई एम इन इंडिया। और उसके बाद आपको पूछ रहा है आपको गूगल टीवी सेलेक्ट करना है या बेसिक टीवी। गूगल टीवी का सेटअप बहुत ही आसान है, बस आपके मोबाइल फ़ोन से आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है। आप चाहे तो रिमोट से भी इसको सेटअप कर सकते हैं, बट मोबाइल से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लाइक आपका वाईफाई का पासवर्ड, आपका जीमेल आईडी का साइन इन, उसका पासवर्ड, वेरी इजी। इसके आगे का सेटअप आपको आपके मोबाइल फ़ोन से करना है। तो गूगल वो मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये है इसका होम स्क्रीन और नीचे देखिए दूसरा टैब आपको नज़र आ रहा है डिवाइसेस का। तो आपको जाना है डिवाइसेस में और उसके बाद क्लिक करना है ऐड डिवाइस। यहाँ से आपको बीच वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका टीवी कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर मैंने शोरूम में रखा हुआ है तो मैंने शोरूम सेलेक्ट कर लिया। अगर नहीं तो आपको पहले आपका होम क्रिएट करना होगा और उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना होगा। और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली ये ऐप सर्च कर रहा है डिवाइस, नियर बाई डिवाइस। तो देखिए यहाँ पर अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको इस टीवी का एक नाम नज़र आ रहा है, नंबर है, वही नंबर आपको ऐप में भी सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए और फिर कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है। बहुत ही आसानी के साथ ये क्यूआर कोड स्कैन हो जाता है, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अब आपका मोबाइल टीवी से कनेक्ट हो रहा है थ्रू ब्लूटूथ एंड वाईफाई डायरेक्ट। तो हो सकता है कि इस दौरान आपका मोबाइल आपके इंटरनेट या वाईफाई से डिसकनेक्ट हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ इट्स कनेक्टेड। अब टर्म्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट करिए। अब आपको रूम सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली अगर रूम पहले से क्रिएट नहीं है तो पहले क्रिएट करना होगा और फिर आपका इंटरनेट राउटर सेलेक्ट करके आपका जो पासवर्ड है वाईफाई का वो इंसर्ट कर दीजिए। हालांकि ये वाईफाई का पासवर्ड ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में ज्यादा सिक्योरिटीज ऑन है तो आपको मैनुअल डालना पड़े। और फिर ये देखिए आपका गूगल टीवी बहुत ही आसानी से इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है। आप मोबाइल और टीवी दोनों पर देख सकते हैं कि कनेक्टेड लिख कर आ गया है और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करने पर आप आपके जीमेल अकाउंट से टीवी में साइन इन हो जाएंगे। फिंगरप्रिंट, पासवर्ड या पैटर्न से खुद को वेरीफाई करने के बाद आप हो जाएंगे साइन इन आपके गूगल टीवी में। साइन इन होने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट को कंटिन्यू करके आगे बढ़िए और फिर गूगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट की परमिशन सेट करना है, सो अलाउ इट। इसके बाद आपको पर्सनल रिजल्ट्स एंड वॉइस मैच को अलाउ करना होगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, देन कंटिन्यू। और उसके बाद जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म का आपके पास सब्सक्रिप्शन है वो सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको गूगल के होम स्क्रीन पर इन सब का रिकमेंडेशन आ सके, आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड आपका फेवरेट। यहाँ से आपके पास कोई होम थिएटर वगैरह है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, मैंने स्किप कर दिया। और उसके बाद
चूज योर एम्बियंट मोड। यहाँ से आप आर्ट गैलरी या फिर कुछ बिल्ट इन फोटोज हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स लाइक अ स्क्रीन सेवर, जब आपका टीवी वर्क नहीं करता तो फिर उसके फोटोज के स्लाइड शो ऑन हो जाते हैं। और अब मोबाइल में आपका सेटअप कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट करने के बाद टीवी में जो माइक का बटन है उसको ऑन कर दीजिए, ये नीचे बॉटम की तरफ। अब मोबाइल रखकर टीवी का रिमोट दोबारा से हाथ में उठा लीजिए और गूगल असिस्टेंट को कंटिन्यू करके अलाउ पर क्लिक कर दीजिए। और ये रहा आपका फर्स्ट ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस ऑफ योर सोनी गूगल टीवी। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट योर ब्राविया टीवी एक्सपीरियंस। लेकिन उसके पहले कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स और बाकी हैं, जस्ट 4-5 स्टेप्स मोर। लाइक यू हैव टू एग्री विद ऑल ब्राविया पॉलिसीज, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ डिसएग्रीमेंट हो, बट आई रिकमेंड एग्री टू ऑल। यहां से आप पावर कंजम्पशन सेलेक्ट कर सकते हैं, हाई लो और ऑफ, बिकॉज इट्स शोरूम दैट्स वाई मैं ऑफ पर रखता हूँ। अगर आप हाई या लो पर रखते हैं तो थोड़ी पिक्चर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और एज़ पर स्क्रीन आप आगे बढ़ते जाइए। HDMI सेटिंग्स को मैंने स्किप कर दिया है बिकॉज वी डोंट यूजिंग सेटअप बॉक्स एंड होम थिएटर। अगर आप होम थिएटर या सेटअप बॉक्स यूज़ करते हैं तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं। एकॉस्टिक ऑडियो कैलिब्रेशन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, आप घर पर इसको ज़रूर कैलिब्रेट करिए। सारे गूगल टीवी में ये फीचर अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर आपके टीवी में ये फीचर नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ से आप टाइम टू टाइम सोनी के ऑफर्स को जानने के लिए आपका टीवी रजिस्टर भी कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल इसको स्किप करता हूँ। एप्पल एयरप्ले और या होम किट अगर आपके पास हैं तो वो भी आप सेटअप कर सकते हैं, इसको मैंने स्किप कर दिया है। सोनी की 2024 लाइनअप के अगर होम थिएटर आपके पास कोई है तो आप एक ही ऐप से टीवी एंड होम थिएटर दोनों ऑपरेट कर सकते हैं। लास्ट ईयर तक होम थिएटर को ऑपरेट करने के लिए म्यूजिक सेंटर नाम का एक ऐप होता था, और टीवी को ऑपरेट करने के लिए गूगल टीवी रिमोट गूगल होम ऐप से टीवी को कंट्रोल करना पड़ता था। लेकिन इस साल ये एक बहुत अच्छा अपग्रेड हुआ है कि सिर्फ ब्राविया कनेक्ट ऐप, एक ही ऐप से आप होम थिएटर एंड टीवी दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके गूगल टीवी का सेटअप हो जाता है कंप्लीट। रिटेल शॉप के लिए रिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज होम यूज के लिए आप कंप्लीट सेलेक्ट कर दिए, दैट्स इट। और ये हो गया, यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस योर गूगल टीवी। ये है गूगल टीवी का होम स्क्रीन, जो है आपकी चॉइस और आपके मूड के हिसाब से कस्टमाइज्ड। आप क्या पसंद करते हैं, आजकल आपका मूड कैसा है, आप क्या देख रहे हैं, एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर, जो कुछ भी आप पसंद करते हैं या जो कुछ भी आपका मूड है, गूगल टीवी के होम स्क्रीन पर आपकी चॉइस के हिसाब से फ्रॉम ऑल OTT ऐप जो आपने सब्सक्रिप्शन शुरू में सेलेक्ट किया था, उसके सारे रिकमेंडेशंस, मूवीज एंड टीवी शोज आप होम स्क्रीन से ही एक्सेस कर सकते हैं। याद रखिए कि 10 लाख से ज्यादा कॉन्टेंट्स है जो आप होम स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में टीवी की पिक्चर क्वालिटी या साउंड क्वालिटी दिखाना मेरा मकसद नहीं है, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको गूगल टीवी का सेटअप दिखाना चाहता था। तो अगर आपको फुल फीचर्ड गूगल टीवी के फीचर्स देखना है तो उसके लिए मैं एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और बेल आइकॉन को भी नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।